नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों पर। बिहार, झारखंड और गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में भी नीट पेपर लीक को लेकर हुआ खुलासा। महाराष्ट्र के लातूर जिले के नांदेड़ में एटीएस की टीम ने 2 शिक्षकों को शक के आधार पर किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में हैरान कर देने वाला मामला। एक शादीशुदा महिला कांस्टेबल के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 32 वर्षीय पुलिस उपनिरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज। शादी का झांसा देकर 2 साल से दुष्कर्म करने का महिला ने लगाया आरोप। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पहुंचा मानसून। ठाणे, मुंबई, पालघर के लिए अलर्ट किया जारी। 23 जून से 27 जून तक कई जिलों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री सूर्यकांत पाटिल बीजेपी का दामन छोड़कर आज शरद पवार गुट की एनसीपी में होंगी शामिल। कल उन्होंने बीजेपी से दिया था इस्तीफा। महाराष्ट्र के बीड जिले में एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए चोर। 60 किलोमीटर तक पुलिस द्वारा चोरों का पीछा करने पर एटीएम मशीन छोड़कर फरार हो गए चोर। पुलिस ने एटीएम मशीन से 24 लाख रुपए सुरक्षित किए बरामद। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के विधायक रोहित पवार राज्यपाल रमेश बैस से आज करेंगे मुलाकात। रोहित पवार राज्यपाल से मिलकर महाराष्ट्र के किसानों और छात्रों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर करेंगे चर्चा। पुणे ड्रग्स मामले में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त कार्रवाई करने का दिया है निर्देश। इस मामले की मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से फोन पर ली जानकारी। मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दिया निर्देश। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद महाराष्ट्र बीजेपी करने जा रही है मंथन बैठक। बीजेपी के 20 वरिष्ठ नेता बैठक में लोकसभा चुनाव में हुई गलतियों से बचने और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र के अहमदनगर प्याज मंडी में प्याज की आवक बढ़ने और कीमतों में आई उछाल से किसानों में खुशी का माहौल। शहर की अप मंडी समिति में 374 ट्रक प्याज की आवक से पिछली नीलामी की तुलना में इस बार दाम में हुई है अच्छी बढ़ोतरी। अप्रैल महीने में 10वीं की कक्षा शुरू होने के बाद भी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं कराए जाने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने अपनाया आक्रामक रुख। नवी मुंबई नगर निगम मुख्यालय पर मनसे कार्यकर्ताओं ने निकाला मोर्चा। मनसे कार्यकर्ताओं ने की छात्रों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की मांग। मुंबई और महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों को देखने के लिए इन24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।